हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अश्ना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ई संबंधन पोर्टल को और समझेंगे कि ये ई संबंधन पोर्टल जो है आखिर ये क्या है और इस पर जो है यहाँ पर जो बात की जा रही है स्कूल को जोड़ने की, तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और मतलब कि ई संबंधन पोर्टल से जुड़ी हर एक जानकारी इस वीडियो में हम आप लोग को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देख सकते हैं बताया जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले कि राज्य भर में है 10,223 निजी स्कूल और सभी स्कूलों को पोर्टल पर कराना है पंजीयन। यानी कि ये जो ई संबंधन पोर्टल है हम बात करें तो इस पर क्या जानकारी देनी है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल है, तो बात करें पूरे राज्य भर में 10,223 निजी स्कूल हैं और सभी को ये जो पोर्टल है इस पर पंजीयन यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और बताया जा रहा है कि इससे महज एक तिहाई स्कूल ही अब तक जुड़े हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस संबंधन पोर्टल है इस पर क्या जानकारी जो है देना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर साइड में दिया हुआ है कि संबंधन पोर्टल पर यह जानकारी देनी है कितने निजी स्कूल खुले, यानी कि भी बिहार राज्य में कितने जो निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल खुले हैं, कितनी कक्षाएं चल रही है यानी कि क्लासेस वहाँ पर कितनी जो है चलती है, 1 to 5 है या फिर 6 to 8 है या फिर 1 to 12 है, 1 to 10 है, इस टाइप से। और कक्षावार सीटें कितनी हैं यानी कि किस क्लास में कितने सीट्स हैं, इसके अलावा शिक्षकों की संख्या क्या है, छात्र और शिक्षक का औसत अनुपात क्या है, यानी कि बताना है कि शिक्षक जो टीचर्स की संख्या कितनी है और टीचर्स और स्टूडेंट का जो रेशियो कितना है, कितने स्टूडेंट पर कितने टीचर रखे गए हैं और स्कूल के पास कितने कमरे हैं, शौचालय पीने के पानी की व्यवस्था क्या है और स्कूल में खेल का मैदान है या नहीं, इंडोर और आउटडोर गेम होते हैं या नहीं, ये सारे जानकारियां जो है वो ई संबंधन पोर्टल पर देनी है सारे स्कूल को। तो हम आप फुल नोटिफिकेशन देखते हैं सो कि दिया गया है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि ई संबंधन पोर्टल ने स्कूलों की पोल खोलनी शुरू कर दी गई है। यानी कि हम बात करें ई संबंधन पोर्टल की तो इससे स्कूलों की पोल भी खुल रही है, यानी कि मालूम चल रहा है कि कितने स्कूल में जो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं और नहीं हैं। बता दें कि राज्य भर में CBSE और ICSE के नाम पर 10,223 निजी विद्यालय चल रहे हैं, यानी कि पूरे बिहार राज्य में यहाँ पर जो है CBSE बोर्ड तो आपने देख सुना ही होगा और जो ICSE का यहाँ पर बात की जा रही है इसके नाम पर अब तक 23,223 जो है सॉरी 10,223 निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और इनमें से अब तक मात्र 3,553 स्कूलों ने ही इस संबंधन पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है यानी कि रजिस्ट्रेशन ही करवाया है। तो बात करें तो केवल 3,553 स्कूल ने ही, जबकि इस पोर्टल से राज्यभर में चल रहे सभी निजी विद्यालयों को पंजीकृत होना अनिवार्य है। जबकि ये जो ई संबंधन पोर्टल है इससे सारे स्कूल का जो इस पर रजिस्ट्रेशन कराना जो है वह नेसेसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है और इनमें कई स्कूल ऐसे भी हैं जिन्हें ई संबंधन पोर्टल की ना तो जानकारी है और ना ही उन्हें पता है कि इस पर पंजीकृत होना है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे भी हैं जिन्हें ई संबंधन पोर्टल के बारे में अभी कुछ भी जो है जानकारी ही नहीं प्राप्त है कि ये क्या है और क्या इस पर पंजीकरण कराना है। और पोर्टल रिकॉर्ड की माने तो करीब 2/3 स्कूल अब तक इससे पंजीकृत नहीं हुए हैं, यानी कि रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तक यहाँ पर 2/3 स्कूल हैं जो कि इससे रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। बता दें कि निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए 25% गरीब बच्चों का दाखिला लेने के लिए इस संबंधन पोर्टल को 2020 में शुरू किया गया था। यानी कि अगर हम इस संबंधन पोर्टल क्या है इसकी बात करें यहाँ पर, तो बताया जा रहा है कि निजी स्कूल पर नकेल कसने के लिए यानी कि उस पर सारी जानकारी को यहाँ पर ग्रहण करने के लिए और जो 25% गरीब बच्चों का दाखिला लेने के लिए, यानी कि प्राइवेट स्कूल में जो 25% जो गरीब बच्चे हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए यह जो पोर्टल है 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था और इसमें हर निजी विद्यालय को पंजीकृत होना था। पंजीकृत होने के बाद ही निजी स्कूल को राज्य सरकार से मान्यता मिलेगी। यानी कि आप बताया जा रहा है कि इस पोर्टल से रजिस्टर्ड होने के बाद ही जो भी स्कूल है उसको जो है राज्य सरकार से यानी कि जो बिहार की गवर्नमेंट है उससे मान्यता मिलेगी और राज्य सरकार से मान्यता मिलने के बाद ही
निजी स्कूलों को नेशनल बोर्ड यानी कि CBSE या ICSE से मान्यता मिल पाएगा। अब तक निजी स्कूल सीधे राज्य सरकार के पास जो है NOC के, यहाँ पर बताया जा रहा है, NOC के लिए जो है आवेदन करते थे, लेकिन इस संबंधन के बाद जो है यह नियम बदल गया है। और पटना प्रमंडल या पटना ज़िले की बात करें तो आधे से ज़्यादा स्कूल अब तक पोर्टल से पंजीकृत नहीं हुए हैं। पटना प्रमंडल की बात करें तो 21 यहाँ पर 2187 निजी स्कूल में अब तक मात्र 765 स्कूलों ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया, यानी कि यहाँ पर पोर्टल पर पंजीकरण में भी कोताही बरती जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं पटना प्रमंडल का पूरा राज्य का हाल यहाँ पर बताया गया है। तो ये हमारा पूरा नोटिफिकेशन था जहाँ पर हमने देखा कि जो ई संबंधन पोर्टल आपका क्या है, कब शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया, पोर्टल कराना यहाँ पर जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।